हरदा में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी अभी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर है। हरदा जिले में लगातार 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। हरदा मुख्यालय से रहट गाँव सिराली खिड़किया तहसील का संपर्क टूट चुका है। हरदा की अजनाल नदी अपने पूरे शबाब पर है। अजनाल नदी के पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। प्रशासन द्वारा रहवासियों को स्कूल और धर्मशाला में ठहराया जा रहा है। वहीं नर्मदा नदी का पानी भी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर पहुंच गया है। हमारे रात्रि गश्त, दिन गश्त, सारी गश्त लगे हैं। रात से ही नदी आ चुकी थी। सब जनता को हम पूरी व्यवस्था में रोकर थामी में खड़े हैं। नदी से ऊपर गिरा अंदर है, पैर का चप्पा चप्पा जारी पॉइंट है। यह है अनवर रोड, इस पॉइंट पर गंजाल नदी है, यहाँ पर रोक के खड़े हैं। आगे रफ्तार घुस के सर आगे आर के रोकने का होगा। घर के पास वाला रफ्तार हर व्यवस्था पर नगर ग्राम सुरक्षा समिति की आम जनता को समझाने की एवं पूरी जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करके समझा रहे हैं कि भाई साहब नदी बढ़ रही है, पानी जल स्तर बढ़ रहा है, दूर से उनको नाकाबंदी हर चीज़ से कर रहे हैं। शासन प्रशासन की मदद घंटा से घंटा लगातार है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।